नमस्कार, ये है इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। ये है इंडिया में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के उन हेल्पलाइन नंबर्स की जिनकी चौंकाने वाली हकीकत आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं और आपको तुरंत मौके पर मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर भरोसा बिल्कुल मत करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे दो चार मैं खुद हुआ हूं और इसीलिए मैं आज आपके सामने इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हूं। आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और कैसे फिर एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर कहा गया कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया, और जब मैंने सवाल उठाए तो उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया हेल्पलाइन नंबर की तरफ से। कॉल डिटेल भी सुनवाऊंगा आपको और बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। दरअसल मामला 14 जुलाई का है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एटा जाने के लिए यूपी रोडवेज की बस में सवार हुआ। यूपी रोडवेज की बस में मेरे साथ सेवर्ती था, क्योंकि मैं विकलांग हूं तो सेवर्ती का टिकट बनाने का मैंने परिचालक यानी कि कंडक्टर से अनुरोध किया, तो कंडक्टर ने कहा कि टिकट नहीं बनेगा। यहां से शुरू हुई कलई खुलनी उन हेल्पलाइन नंबर्स की जो सरकार ने लोगों के लिए जारी किए हैं और दावा किया जाता है कि इनके जरिए आपको तुरंत मौके पर मदद मिलेगी, जिन पर लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किया जाता है, कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या थी वो खुलकर उस दिन मेरे सामने आई। सबसे पहले मैंने परिवहन विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो नंबर नहीं लगा। करीब 40 किलोमीटर तक बस चल चुकी थी और नंबर परिवहन विभाग का नहीं लगा। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जब कॉल किया तो वहां पर एक जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था उसने कॉल रिसीव किया और उसने कहा कि आपकी शिकायत क्या है महोदय, मुझे बताइए, मैं उसका निस्तारण करूंगा। जब मैंने अपनी समस्या उनके सामने बताई और कहा कि परिचालक का कहना है कि टिकट नहीं बनेगा और निशुल्क यात्रा की सेवा का सुख लेना है तो आपको शुल्क देना ही पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अभी मदद नहीं कर सकते, हम आपकी शिकायत दर्ज करेंगे, शिकायत दर्ज करने के बाद जिम्मेदार विभाग के अधिकारी के पास भेजेंगे और उस अधिकारी से जो कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। शिकायत दर्ज करके मेरा फोन काट दिया गया और उसके बाद फिर शुरू हुआ दूसरा सिलसिला ये कि तब तक मैं एटा पहुंच चुका था और वहां से जब मैं वापस लौटा तो फिर एक बार वही चीजें मेरे साथ हुई। दोबारा मैंने जब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने फिर वही बात कही कि मैं शिकायत दर्ज कर सकता हूं, अभी एक्शन नहीं होगा, शिकायत पर विभागीय कार्रवाई होगी, आप शिकायत दर्ज करवा दिए। शिकायत दर्ज हो गई। उसके बाद 29 जुलाई को मेरे पास कॉल आता है और कहा जाता है कि फीडबैक के लिए एक कॉल है, आपने जो समस्या दर्ज करवाई थी उसका निस्तारण हो गया है और अब हम फीडबैक लेना चाहते हैं कि क्या आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस जिम्मेदार अधिकारी के पास मेरी शिकायत भेजी गई थी उसकी तरफ से मेरे से कोई संपर्क नहीं किया गया और ना ही मुझसे पूछा गया कि आपकी समस्या क्या थी। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने एक रिपोर्ट बनाकर सीएम ऑफिस भी भेज दी, जहां से हेल्पलाइन नंबर वालों ने नंबर लेकर रिपोर्ट का और समस्या के निस्तारण का नंबर लेकर मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है, क्या आप संतुष्ट हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब तक दोनों पक्ष आमने सामने ना हो तब तक समस्या का निस्तारण कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे पास रिपोर्ट आई है कि आप मौके पर मौजूद रहे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत रिपोर्ट दी गई है। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर की तरफ से कहा जाता है कि हम दोबारा संपर्क करेंगे और हम फिर से आपकी समस्या के निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारी से कार्रवाई के लिए कहेंगे। 5 दिन के बाद एक बार फिर मेरे पास कॉल आता है और मुझे कहा जाता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है, अब आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। और चौंकाने वाली बात फिर वही थी कि रिपोर्ट एक बार फिर पहुंच गई सीएम ऑफिस और मेरे से संपर्क नहीं किया गया। हेल्पलाइन नंबर की ये हकीकत जब सामने आई तो मैं चौंक गया और मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर ये बताइए, जब कोई आदमी परेशानी में होता है, आपातकालीन स्थिति में होता है, तभी कॉल करके मदद मांगता है और आपसे मदद की उम्मीद की जाती है, लेकिन आपने 14 तारीख को शिकायत दर्ज की और उसके बाद 29 तारीख को आपने मेरे पास कॉल किया कि फीडबैक लिया जाएगा और 29 तारीख के बाद फिर एक बार आप कॉल करके कह रहे हो कि अब फीडबैक दीजिए, समस्या का निस्तारण हो गया, जबकि समस्या से जुड़ी हुई बातें ना तो मुझसे जानी गई ना ही मेरा पक्ष जाना गया, तो कैसे हो गया, रिपोर्ट तो ये फर्जी है। तो उनका साफ कहना था कि हम दोबारा से कार्रवाई करवाएंगे और महोदय हम आपके पास फिर कॉल करेंगे। एक बार ये कॉल सुनिए जो कॉल हेल्पलाइन नंबर की तरफ से मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे क्या कहा, और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी हकीकत क्या है। हेलो, नमस्कार, एफिशिएंट फैंस, मैं अनीता बात कर रही हूँ, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? हिमांशु बोल रहा हूँ। जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद, कृपया लाइन पे बने रहे, आपको फीडबैक के लिए संपर्क किया गया है, थोड़ा समय लग रहा है, लाइन पे बने रहे आप। जी, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, आपकी परिवहन विभाग में 14/7/2019 से शिकायत दर्ज है। शिकायत का समाधान आपके सहायक
क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा समाधान किया गया 31/7/2019 को। आप ये रिपोर्ट आपको किसने प्रेषित की है कि समस्या का समाधान प्रबंधक ने, क्षेत्रीय प्रबंधक ने कर दिया है? जी ये आपकी रिपोर्ट महोदय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एटा द्वारा ही लगाया गया है, परिवहन विभाग द्वारा। तो एक काम और करो कि सूचना दे दो पीएम साहब को कि आपके अधिकारी झूठी रिपोर्ट बना बना के आपको पेश कर रहे हैं और आपकी हेल्पलाइन की किरकिरी करवा रहे हैं, क्योंकि जो शिकायत मैंने की थी उसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही मेरे से किसी ने संपर्क किया है। जी लाइन पे बने रहे, फीडबैक दर्ज किया जा रहा है, रिपोर्ट गलत लगाई गई है। बिल्कुल आपको रिपोर्ट गलत दी गई है, मेरे से कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही मुझे कोई जानकारी इसके बारे में दी गई। आपको रिपोर्ट कहाँ से मिल गई मुझे नहीं समझ आया। जी लाइन पे बने रहे, आपका फीडबैक दर्ज किया जा रहा है। जी किसी अधिकारी द्वारा आपसे संपर्क नहीं किया गया है? नहीं, मेरे से किसी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया अनिता जी, और ना ही मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है। जी लाइन पे बने रहे आप। जी आपके संतुष्टि में महोदय, आपका फीडबैक दर्ज करके शिकायत कुशल अधिकारी को भेजा जा रहा है, शिकायत का समाधान प्राप्त होने पर संपर्क किया जाएगा। सुनिए जी अनिता जी, मुझे एक बात बताइए कि जब हेल्पलाइन नंबर पे कोई आदमी कॉल करता है तो इसीलिए कॉल करता है कि उसको इमीडिएटली हेल्प मिलनी चाहिए, राइट? जी। और मैं उस टाइम पे रोडवेज बस में था, मैं हैंडीकैप हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, परिचालक की तरफ से जो कंडक्टर था वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, मेरे सर्टिफिकेट को लेकर सवाल कर रहा था, तो मैंने कॉल किया था। तो इमीडिएटली हेल्प की बजाय मैंने 14 तारीख को हेल्प के लिए फोन किया, उसके बाद 31 तारीख को आपके पास रिपोर्ट भी आ गई कि समाधान भी हो गया है और मुझे उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिली। अगर कोई आदमी 14 तारीख को किसी को गोली मारी जाए तो क्या वो इंतजार करेगा कि मेरे पास कॉल आएगा पता चलेगा? वो तो तुरंत हेल्प जी, होगी जी, सुविधा को जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, पर क्षमा चाहेंगे महोदय, आपकी शिकायत यहाँ पे सिर्फ दर्ज की जाती है, आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा होती है। तो विभाग को कार्रवाई देने के लिए निर्देश तो आप ही लोग देते होंगे ना कि इमीडिएटली एक्शन लो इस पे। जी आपका जो फीडबैक है महोदय वो दर्ज करके दोबारा से भेजा जा रहा है उस लेवल अधिकारी को, आप उस समय की प्रतीक्षा करें। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की बातचीत मेरे साथ अधिकारी ने की। जो रिप्रेजेंटेटिव था सीएम हेल्पलाइन नंबर का, जो महिला थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, अनीता शायद उनका नाम था, और उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं और उसके पहले महोदय धन्यवाद कह के कॉल काट दिया। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में लाखों रुपए लगा करके हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, वो अच्छी बात है कि जिन्हें जो बेरोजगार थे उन्हें इन हेल्पलाइन के जरिए रोजगार मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो इस बात की है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन हेल्पलाइन नंबर के जरिए जब लोग मदद के लिए कॉल करते हैं तो ज्यादातर नंबर लगते नहीं है और जहां नंबर लगते हैं वहां पर विभागीय कार्रवाई की बात कहकर शिकायत दर्ज कर ली जाती है और मदद अगर आपको तुरंत चाहिए तो वो तुरंत नहीं मिलती है, वो 15-20 दिन के बाद आपके पास फीडबैक के लिए कॉल आता है और कहा जाता है कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया। वो बात अलग है, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिनके पास उनका पक्ष सुनने के लिए अधिकारी आता होगा, वरना मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की समस्या का सामना कर रहे होंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपातकालीन स्थिति में हैं तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पर या फिर कोई भी सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, सतर्क रहिए और हालात को संभाल कर रखिए। दर्शकों से एक ही अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और अगर हमारी खबर अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।